दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखते हैं आप इनमें से कितनों का सही आंसर दे पाते हो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक चित्ते की दहाड़ लगभग कितनी दूरी तक सुनी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 3 किलोमीटर तक। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें च्युइंगम खाने पर बैन है। दोस्तों हमारे सभी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बताओ इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर सबसे बुद्धिमान होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चिंपैंजी बंदर। दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ऐसा कौन सा फल है जिसको पकने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनानास। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा शिक्षा का स्तर किस देश का है। इसका राइट आंसर होगा कनाडा। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। क्वेश्चन यह है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी पेड़ नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कतर। दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टा शहद कहाँ पर पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ब्राजील के जंगलों में। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि विश्व का कौन सा देश है जहाँ पर एक भी खेत नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना साफ करें वो उतनी ही गंदी हो जाती है। दोस्तों इसका आंसर तो आपने पता लगा लिया होगा, इसका राइट आंसर है ब्लैक बोर्ड। दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके चोट लगने पर वह मनुष्य की तरह रोता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भालू। दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्लेन के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज्यादा बाघ किस देश में पाए जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत। दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वप्रथम महिला शिक्षक कौन थी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सावित्री बाई फुले।